थोड़ी पिकअप आई थी। खीरा की क्वालिटी एक नंबर का है, ये सब क्वालिटी है। 20 रुपया 20 किलो का पैकेट है। और दोस्तों गोभी की क्वालिटी एक नंबर है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। 25 दाना का बोरी है, 800 रुपया बोरी, 800 रुपया बोरी गोभी की क्वालिटी। देखो दोस्तों हमें इंदौर वाली मिर्चा काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, ये 40 रुपये का मिर्चा बिका। क्वालिटी आप देख सकते हैं एक नंबर का क्वालिटी है देखने को मिल रहा है, जो कि हाइब्रिड टमाटर है। और PNS कहाँ से आई है सेट टमाटर? खाली 1100 रुपये का रेट। आज का रेट बहुत डाउन चल रहा है, जो कि आज टमाटर काफ़ी रेट डाउन देखने को मिला है 11। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं आशीष कुमार बनारस से। दोस्तों आज पाणिया सब्जी मंडी फिर आए हैं, यहाँ की सब्जियों का रेट भाव देखेंगे क्या चला क्या नहीं चला। दोस्तों आज तारीख हुआ 18 दिन शुक्रवार। चलो दोस्तों आज देर ना करते हुए चले सब्जियों का रेट देखें, और आलू प्याज लहसुन का भी रेट देखें, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ से माल आई है, क्या रेट है। और टाइम की बात करें 7:20 हो रहे हैं दोस्तों। और चलो दोस्तों देर ना करते हुए चलो सब्जियों का रेट देखते हैं। और पॉइंट आ रही है इस समय गाड़ी हर डेली आ रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आलू प्याज तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा इसमें आ रही है, और लहसुन भी आ रही है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के वीडियो को लाइक करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें ना, ऐसे ही पढ़िए यहाँ सब्जी मंडी जानकारी के लिए। दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह बंगलौर से आधी आई हुई है और काटा हो रही है, गाड़ी पे से ही तुरंत बिक जा रही है। और क्या रेट बिक रही है चलो पास से देख लेता हूँ। यहाँ पे गाड़ी पे लद रही है, अदर मंडी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आधी बड़ी गाड़ी से उतर रही है, जो कि इसका रेट चल रहा है 57 रुपया के जी, 57 रुपया के जी आज का रेट चला, जो कि गाड़ी पे से उतर के तुरंत काटा हो जा रही है। एक बोरी में 45 किलो 40 किलो वजन है। देखो मुनीम जी पन्ना में लिखा 39 किलो 39 किलो 39 किलो बोरी में आधी का रेट, जो कि कच्ची आधी है। दोस्तों आधी की क्वालिटी यही है, देख लो यही मस्त क्वालिटी है आधी की, कच्ची आधी है लेकिन क्वालिटी इसकी बड़वास है, 57 रुपया के जी। और दोस्तों यहाँ पे चाइनीज लहसुन की बात करें, जो कि कैरेट में है, इसका रेट चला 260 रुपया के जी, 260 रुपया के जी, जो कि काटा हो रहा है। 11 किलो कैरेट सही थे, 10 किलो माल माल जो कि वहीं जा रहा है। क्वालिटी आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों, देखो यही क्वालिटी है चाइनीज लहसुन, 260 रुपया के जी चला, 260 रुपया के जी आज का रेट, 260 रुपया के जी। दोस्तों ये लहसुन देखो काला कैरेट में है, इसका भी वजन वही है 11 किलो, ये भी चाइनीजा लहसुन है, मस्त क्वालिटी है। और इसका रेट चला 260 रुपये के जी। आज का रेट। दोस्तों हम पत्ता गोभी के पास आए हैं, पत्ता गोभी यहाँ पे 25 रुपये से 26 रुपये प्रति केजी बिका, क्योंकि काफ़ी बड़वार साइज का है, बंगलौर गोभी है पत्ता गोभी, पूरी गाड़ी वहाँ खड़ी है। 25 रुपये से 26 रुपये तक इसका रेट चला, पत्ता एक नंबर का है। दोस्तों यहाँ पे शिमला मिर्च की बात करें, शिमला मिर्च यहाँ पे 85 रुपये से 90 रुपये तक बिका, अच्छे क्वालिटी का शिमला मिर्च है, बड़वार साइज का, जो कि 10 किलो इसकी भर्ती है, पूरी शिमला मिर्च बिक गई, एक गाड़ी आई थी बड़ी गाड़ी। और दोस्तों गोभी की क्वालिटी एक नंबर है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। 25 दाना का बोरी है, 800 रुपया बोरी, 800 रुपया बोरी गोभी की क्वालिटी। देखो यही
₹800 बोरी। दोस्तों यहाँ पे अंबिकापुर वाली मिर्चा आई है, यहाँ पे 45-50 का बिका, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, बड़वार साइज़ का, थोड़ा सा मोटा मिर्चा है, जो कि काफ़ी मिर्चा डाउन देखने को मिल रहा है हमें, क्वालिटी यही है। ₹50 से ₹45 तक जो कि मिर्चा पूरी मिर्चा का मीट तेज़ी चल रही है, वैसे मिर्चा तुरंत बिक जा रही है, देखो यही जा रही है। ये कितना किलो का है? एक 24 किलो का पैकेट है जो कि ₹50 का कटा हो रहा है। दोस्तों हमें इंदौर वाली मिर्चा काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, ये ₹40 का मिर्चा बिका, क्वालिटी आप देख सकते हैं एक नंबर का क्वालिटी है, लेकिन इसकी रेट थोड़ा हमें डाउन देखने को मिला, बहुत डाउन मिर्चा चल रहा है, ₹40-38। अच्छा देख ले, देख ले, अच्छा देख ले, इंदौर का मिर्चा है। अंबिकापुर वाली ₹45 का कटा हुआ है, 45-50 का, और इंदौर वाली मिर्चा ₹40 का कटा हुआ है, 38-40 यही रेट चला पढ़िया सब्जी मंडी का रेट। और दोस्तों वहाँ पे टमाटर है, बड़ी गाड़ी आई है नासिक से, टमाटर का रेट देख लेते हैं क्या चला है आज का। दोस्तों मदन टेंडर सेठ के पास आए हैं, जो कि यहाँ पे टमाटर अपना बेच रहे हैं कि क्या क्या सब्जी आई थी, क्या क्या नहीं आई थी। टमाटर आज काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि हाइब्रिड टमाटर है, और PNS कहाँ से आई है सेठ टमाटर? खाली ₹1100 का रेट, आज का रेट बहुत डाउन चल रहा है, जो कि आज टमाटर काफ़ी रेट डाउन देखने को मिला है, ₹1100 का रेट, जो कि 26 किलो माल 24 किलो इसका वजन है, 26 किलो वजन है, 24 किलो माल। टमाटर की क्वालिटी आप तो दिख ही सकते हैं, एक नंबर की क्वालिटी है, जो कि बड़ी गाड़ी से आ जाए थे नासिक वाली, हाथ से देख लीजिए, डेली एक गाड़ी आती है। दोस्तों देखो यही नासिक वाली टमाटर है, जो कि इतना ही टमाटर बचा है और पूरी गाड़ी बिक गई है, ₹1100 कैरेट। दोस्तों आज हम आया PLC टमाटर के पास, जो कि यही टमाटर है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी, दो गाड़ी आई थी यहाँ पे, दोनों गाड़ी बिक चुकी है, यहाँ पे सैंपल में रखा गया है। और इसकी वजन की बात करें, वजन 28 kg, 26 किलो माल। PLC LRC दोनों सेम वजन रहता है, क्वालिटी यही सब देख सकते हो, इसका रेट चला 1300 रुपये कैरेट, 1300 रुपये कैरेट चला, क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये एक नंबर के देसी टमाटर है, देसी टमाटर का रेट चला 1300 रुपये कैरेट, PLC 555, मस्त क्वालिटी है, क्वालिटी मस्त है इसकी, आप देख सकते हैं क्वालिटी के माने में एक नंबर की रहती है। और सर सुरन का रेट क्या चला? सुरन का रेट वही पहले जैसे चल रहा है, 48 रुपये, 48-50 का सुरन चल रहा है, जो कि बिहार का सुरन है, अभी नए रेट बढ़ेगा इसका, दीपावली पर रेट बहुत टाइट हो जाएगा, ये दीपावली पर ही बिकेगा सुरन। दोस्तों ये जो मिर्चा देख रहे हो हैदराबाद का मिर्चा है, आज काफ़ी रेट इसका डाउन देखने को मिला हमें, जो कि काफ़ी बड़वार साइज़ का मिर्चा है, हमारे सेठ के पास आया था, यही सेठ बैठे हैं, जो कि मिर्चा बेच दिए, ₹30 kg, ये बड़ा साइज का मिर्चा, मिर्चा की क्वालिटी तो एक नंबर है, पूरी मिर्चा बिक गई, जो कि कितनी गाड़ी आई थी अर्थ? तीन गाड़ी आई थी हैदराबाद वाली मिर्चा, ₹30 kg बिका, मिर्चा की क्वालिटी ठीक ठाक है, बढ़िया है। दोस्तों यहाँ पे अंबिकापुर वाली खीरा है, जो कि एक नंबर का खीरा है, इसका रेट चला 15-16 रुपये, यही रेट चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी पिकअप आई थी, खीरा की क्वालिटी एक नंबर का है, यही सब क्वालिटी है, ₹20 का पैकेट है, पूरी पिकअप आई थी, इतना ही बचा है और पूरी माल बिक गई, 15-16-17-18 जैसा क्वालिटी, सुबह में 18 रुपये तक चला, उसके बाद खीरा थोड़ा सा बच गया है, 14-15 बिक रही है।
और अच्छा खीरा है, क्वालिटी एक नंबर की खीरा है। आप देख सकते हैं अंबिकापुर वाली खीरा, जिसको भाई को लेना है यहाँ पे ले सकता है, पूरी अच्छे क्वालिटी का खीरा मिल जाएगा। दोस्तों अंबिकापुर वाली खीरा देखो, एक गाड़ी वहाँ है, एक गाड़ी यहाँ है, तीन गाड़ी आई है अंबिकापुर वाली खीरा। दोस्तों यहाँ पे बैगन जो हमारे चाचा जी बोरी में भर कर आती है, और क्वालिटी देखो यहीं रहती है। 26 रुपये का सुबह सुबह बेच रहे थे, इस समय थोड़ा सा रेट डाउन कर बेच रहे हैं, 24 रुपये का दे रहे हैं। हमारे अंकल जी लिए हैं, इनसे थोड़ा सा जान लीजिए क्या भाव लिया भैया। बैगन क्या भाव लिए हो? 24 रुपये का बता रहे हैं, 24 रुपये का बैगन लिए हैं, जो कि गोल वाला बैगन। आखरी बच गया तब दे देना, तब काट कर आता फ्रेम में। आखरी बोरा बच गया हमारा, दे देना। दोस्तों हम आलू के पास आए हैं, यहाँ पे देखो आलू लाल वाली, पूरी आलू लाल वाली है, हाईलैंड सफ़ेद वही छोटा है, ये वाला सफ़ेद है और किनारे वाला सफ़ेद है, वो छोटा वाला आलू एकदम उधर 1500 रुपया, ये वाला सबसे छोटा जो है 1400 रुपया, और हाईलैंड की बात करें 2700 2600 2500 से 2700 रुपया कुंटल आलू, और छोटा साइज का इसमें 2000 रुपया कुंटल। सब लाल आलू है, 2200 2300 2400 छोटवार साइज, और हाईलैंड की आलू 2500 से 2700 रुपया, और नॉर्मल आलू आप लोगों को बता दूं, नॉर्मल आलू इसमें छोटा साइज का 2200 2300 2400 आलू का रेट, जो कि देखो पूरी गाड़ी लद रही है, और दो गाड़ी आई हुई है, देखो काटा हो रहा है दोस्तों आलू। ये लाल वाली की आलू की बात कर रहा हूँ दोस्तों, लाल वाली आलू की, सफ़ेद आलू नहीं है। अभी सफ़ेद आलू चल कर देख रहे हैं अलग गोदाम में क्या रेट चल रहा है, सफ़ेद वाली आलू उसका रेट बताएंगे। सफ़ेद वाली रेट एक छोटा साइज का है, जो कि 1400 रुपये 1500 रुपये छोटा साइज का दे रहे हैं, बोल रहे हैं आलू में मोल चाल हो सकता है, लेकिन फुटकर नहीं दे रहे हैं, पूरा पिकअप ही भर कर दे रहे हैं। देखो यही काटा हो रहा है, जो कि एक बोरा में 54 किलो 55 किलो ऐसे ही आ रहा है। आलू लेने वाले की भीड़ लगी है यहाँ पे। दोस्तों जो वो वाली आलू को बताया था, वो वाली लाल वाली आलू थी, ये वाली सफ़ेद आलू है, इसका रेट थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आलू देखो बिक गई, 22 रुपये का बिका है, बड़वार साइज का आलू, और इसका सफ़ेद वाली आलू के रेट को बता दूँ, 21 रुपये से 23 रुपये तक चला सफ़ेद आलू का रेट, इस समय यही रेट चल रहा है दोस्तों। और छोटा साइज का 18-20 सफ़ेद में, और उससे छोटा 15-14-13 यही चल रहा है दोस्तों, यही सब है। दोस्तों यहाँ पे हम लहसुन के गोदाम में आए हैं, यहाँ पे क्वालिटी आप तो देख सकते हैं, क्वालिटी बढ़िया बढ़िया है, एक नंबर की क्वालिटी है, तो क्वालिटी। दोस्तों यहाँ पे लहसुन बड़ावार साइज का, यूपी का लहसुन आप जानते ही हो, यूपी का लहसुन लहसुन होता है, जामनेशन में भी बढ़िया होता है, सबको मालूम होते हैं, सब किसान भाई बोने के लिए यूपी का ही लहसुन यूज करते हैं, बोते हैं, अच्छा खासा होता है। और यूपी का लहसुन आप लोगों को बता दूँ, काफ़ी रेट टाइट देखने को मिल रहा है। बड़वार साइज का लहसुन 400 रुपया, और उससे थोड़ा सा छोटवार साइज का 350 390 380, और उससे छोटा, सबसे छोटा में का बात करें, 180 रुपया आप लोगों को दिखा दूँ, 180 वाला देखो यही है यूपी का लहसुन, 180 वाला यही है, 180 190 यही वाला। और दोस्तों ये वाला जो है 200 का, 200 रुपया किलो यूपी का लहसुन,
जो कि 45-50 किलो का है, तोला गया था कल 45, ऐसे ही चल रहा है। यूपी का लहसुन है ना दोस्तों, यूपी का लहसुन काफ़ी महंग रेट में तेज है, खींच हो रही दोस्तों। यहाँ पे हम न्यू प्याज के पास आए हैं जो कि बंगलौर वाली प्याज है, इसका रेट आप देख सकते हैं, क्वालिटी एक नंबर का है, यही क्वालिटी है, मस्त क्वालिटी है, जो कि अलग अलग ढाला गया है, जैसा क्वालिटी वैसा रेट, लेकिन 1800-1700-1600 यही रेट चला प्याज का, जो कि जैसा क्वालिटी वैसा रेट, बंगलौर वाली प्याज न्यू प्याज का रेट, इसका रेट चला 1800 रुपया, 1700 और 1600, 1500 का देखो ये चला दोस्तों, 1500 का प्याज बंगलौर वाली प्याज, क्वालिटी बढ़िया है, मस्त प्याज है, देखो साफ साफ प्याज है, न्यू प्याज का रेट, बंगलौर वाली प्याज जो भी आ रही है एकदम क्लीन आ रही है, मस्त क्वालिटी आ रही है। दोस्तों बंगलौर वाली का रेट आप लोगों को बता दिया हूँ, ये रेट चल रही है, और जो एमपी का है, नासिक का है, उसका एमपी वाले का रेट थोड़ा सा डाउन देखने को मिला, क्योंकि बंगलौर वाली प्याज चालू हो गई है, इसलिए उसका रेट थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा, 1600-1700 उसका रेट चला, और नासिक वाले का 1700-1800-1600 ऐसे रेट चला नासिक वाले का। चलो दोस्तों हमारे भैया लिए हैं, देखो एमपी का प्याज यहीं लिए हैं, 1600 रुपया मन, 1700 अच्छा, मतलब 1600-1700 का रेट चल रहा है एमपी वाली प्याज का, काफ़ी बड़वार साइज का एमपी का प्याज रहता है,